एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग प्लस तारो कार्ड रीडिंग, ठीक है? यानी कि दोनों रीडिंग करेंगे। आज की रीडिंग हम सिर्फ कैंडल वैक्स नहीं करेंगे, आज मैं टारो कार्ड भी करूंगी इसी में, ठीक है? आगे का जो है वो हम टारो कार्ड से देखेंगे। लेकिन आपके पार्टनर की फीलिंग्स, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं क्या फील कर रहे हैं अभी इस समय, ये हम देखने वाले हैं, ठीक है? तो टॉपिक ये है और कैंडल वैक्स है, ठीक? तो ये रीडिंग का टॉपिक है और जनरल रीडिंग है, आपको पता ही है। और ये भी मैं आप सबसे कहना चाहूंगी कि आपके जो एनर्जी है, ठीक है, आपकी जो एनर्जी है, आप थोड़ा सा अपने आप को हील करने की कोशिश करें। आपको हीलिंग के लिए म्यूजिक प्रोवाइड किया जाता है हमेशा म्यूजिक चैनल पे। अगर आपने म्यूजिक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वहां से लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और वहां पे आपको जो है म्यूजिक बना करके दिया जा रहा है जो कि आपको सुनना चाहिए, आपकी हीलिंग होगी उससे, ठीक है? बहुत लोगों की हीलिंग हो चुकी है, बहुत लोग अभी भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप लोग भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? ब्रेसलेट का रिव्यू आप लोग देख चुके हैं, ब्रेसलेट का रिव्यू जो है कितना अच्छा आ रहा है और बहुत ही जल्दी इफेक्ट इनको उसका रिजल्ट जो है मिल गया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग भी अगर चाहते हैं ब्रेसलेट को जो है ऑर्डर करना, तो आप लोग इसी नंबर पे, यानी कि जो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, व्हाट्सअप करना है बस, ठीक है? उस पर कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सअप आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक है? कॉल करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कॉल करेंगे आपकी कॉल रिसीव नहीं होगी, है ना? तो सिर्फ आप लोग व्हाट्सअप मैसेज कीजिए ताकि आपका आपके पर्सन के साथ रियूनियन हो, आपका रिलेशनशिप अच्छा हो सके, ठीक है? उसके लिए जो है ब्रेसलेट अवेलेबल करवाया जा रहा है। आगे कुछ और ब्रेसलेट्स भी आएंगे, जैसे कि मनी ब्रेसलेट भी है अभी हमारे पास, जिनको जो है जिनके पास मनी नहीं रुकती है, ठीक है? यानी कि पैसे कमाते हो, बहुत ज्यादा अर्न करते हो, लेकिन क्या होता है कि पैसे टिकते नहीं है, आपकी शॉप नहीं चलती है, आपका बिजनेस नहीं चलता है, तो उसके लिए जो है आप ब्रेसलेट ले सकते हो, मनी ब्रेसलेट, ठीक है? तो आप लोग जो है ब्रेसलेट के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट करें, और जिनको पर्सनल रीडिंग लेनी है इसी नंबर पे कांटेक्ट करें, ठीक है? ये थी कुछ जानकारी जो कि देनी जरूरी थी आप लोगों के लिए। तो आपको क्या करना है, अपने आप को हील करना है। और ये जो मैं टैरो रीडिंग करूंगी बाद में, पहले मैं कैंडल वैक्स रीडिंग जो करने जा रही हूं, इसके लिए खुद को हील करना है। तो पहले हील कर लीजिए खुद को। कैसे करेंगे? आंखें बंद कीजिए और आंखें बंद करके अपने पार्टनर के बारे में जो है सोचिए, ठीक है? और उसके बाद ये रीडिंग देखिए। स्टार्ट करते हैं, चलिए मैं कैंडल जलाती हूं, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। तो मैंने कैंडल जला ली है और अब जो है हम करने वाले हैं, देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर अभी इस समय क्या फील कर रहे हैं, ठीक है? चलिए फोकस कीजिए आप इस फ्लेम के ऊपर। फुल फोकस कीजिए। आपके पार्टनर अभी फिलहाल बहुत ही ज्यादा यहां पे मैं देख पा रही हूं कि आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके लिए फील कर रहे हैं, क्योंकि यहां पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपके जो प्राइवेट पिक्स वगैरह हैं जो कि आपने शेयर किया है कभी, या आप दोनों साथ में कभी मिले हो, वो पिक्स देख करके महसूस करते हुए आपको दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा है वो पिक, आपकी कोई पिक है या आपने अपने पार्टनर को ऐसे जो है कभी दी हो, या आपने इंस्टा पे या एफबी पे डाला हो, तो वहां से इस पर्सन ने वो पिक ली है और यहाँ पे उसके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं। बहुत ही ज्यादा जो है इनको सेक्सुअल फीलिंग्स आ रही हैं अभी। आपके पार्टनर बहुत सेक्सुअल फील कर रहे हैं अभी, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ इनको, और
आपके प्रति जो इनका कनेक्शन है या जो इनकी एनर्जी है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील होती है कि जो कनेक्शन है इसके बगैर रहना बड़ा मुश्किल है। आप दोनों के कनेक्शन के बारे में डीप लेवल पे थिंकिंग करना, अब इनको लगता है, इनको फील हो रहा है कि इनको जो है दूर नहीं रहना चाहिए आपसे। दूर रहने का मतलब यही है कि आपके साथ नो कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। अब जो है इनको कांटेक्ट करना चाहिए आपके साथ, आपके साथ अपने रिलेशनशिप की न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, आपके साथ अपने रिलेशनशिप में आगे बढ़ने की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं, यहाँ पे फील करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ बहुत ही हाई यहाँ पे एनर्जी। ये पर्सन को आज आपकी बहुत याद आ रही है, कल भी बहुत याद आ रही थी और आज भी बहुत याद आ रही है। कल आपका दिल बहुत बेचैन सा महसूस होता होगा आपको, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन कल भी आपको बहुत ज़्यादा महसूस करते हुए दिख रहे हैं। बहुत डीप लेवल का महसूस करना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे। आपके जो पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है जैसे कि कोई हार्ट शेप में आपको कुछ गिफ्ट दिया है इन्होंने, कुछ ऐसे पोस्ट आपने डाले हैं जो कि हार्ट शेप में था, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है, चाहे वो केक हो या फिर कुछ और हो, ठीक है। यहाँ पे दिखता है कि कुछ हार्ट शेप में डाला है। इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है जे या फिर लास्ट लेटर हो सकता है जे, ठीक है। सी हो सकता है, बी हो सकता है, यहाँ ये पर्सन बहुत ज्यादा एक जो होता ना कि मचलती सी एनर्जी यहाँ पे इस पर्सन को फील होती है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन बहुत ज्यादा एक जो इनका दिल है इनके काबू में नहीं रह पाता है, इनका दिल बहुत ज़्यादा बेचैन सा हो जाता है, क्योंकि ये पर्सन जो है ना बहुत बेचैनी महसूस करते हैं आपके लिए। और ये पर्सन की बेचैनी, इस पर्सन की बेताबी यहाँ पे क्लियरली नज़र आ रही है। एकदम से ये पर्सन जो है ना बहुत तकलीफ में मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसा है कि आपके पार्टनर किसी से एडवाइस ले रहे हैं, सोच रहे हैं किसी से एडवाइस लिया जाए। देखो, आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स को जो है ना आप दोनों ही फेस कर रहे हो, कभी कुछ हो जाता है तो कभी कुछ हो जाता है, ठीक है। और ये प्रॉब्लम थोड़े वक्त के लिए नहीं होता है, ज़्यादा वक्त के लिए होता है, जिसकी वजह से आपके ऊपर भी इसका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रात को बेचैन से हो जाते हो इस पर्सन से बात करने के लिए, इस पर्सन से मिलने के लिए, इस पर्सन के लिए जो अपनी फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको जो है ना यहाँ पे जो है एक जो जाहिर करने वाली बात है, ठीक है, वो मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार। ये पर्सन आपके बारे में सोच करके, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोच करके कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं अपने आप को एक जो होता है कि हो सकता है कि ये पर्सन कुछ ऐसी पोस्ट डाल रहे हों जिससे आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन जो है ना बहुत ही अपनी लाइफ में खुश है, या बहुत ही ज़्यादा जो है ना किसी के साथ घूम रहा है, अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ, है ना, इंजॉय वाले पिक्स वगैरह जो है ना आप देख रहे होंगे इस पर्सन के सोशल मीडिया पे। लेकिन सच तो ये है कि इस पर्सन के दिल में जो बातें हैं, जो फीलिंग्स हैं, उसको छुपाने का वो एक तरीका है, ठीक है, कि आप ये ना समझो कि आपके बगैर ये पर्सन रोते हैं, तकलीफ में हैं, बेचैन हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं दिखाना है इस पर्सन को। ये पर्सन जो है ना बहुत अपने आप को, अपने जो फीलिंग्स हैं, है ना, वो सारी चीज़ें कुछ नहीं दिखाना चाहते हैं ये पर्सन, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। इस पर्सन के नेम का फर्स्ट लेटर हो सकता है बी, ठीक है, बी, या आपका नाम का फर्स्ट लेटर बी हो सकता है।
मुझे ये पर्सन कहीं ना कहीं जो है ना बेचैन से होते हुए दिख रहे हैं, एकदम से जो है परेशान से होते हुए दिख रहे हैं। आपके बारे में सोच करके एकदम जो एक होता है ना कि अपने आप को ही अकेलापन फील करना है ना, तकलीफ फील करना बहुत ही ज्यादा जो है ना यहाँ पे ऐसा फील होता है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस कहीं ना कहीं जो है ना, ये इनको लगता है कि यार मैं ओवर सोच रहा हूँ तो मुझे इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। ये पर्सन को ऐसा फील होता है या हो रहा है अभी भी मैं देखूँ तो, कि आप खुश हो अपनी लाइफ में और आप जो है किसी और के साथ भी इन्वॉल्व हो चुके हो। आपकी कोई पिक वगैरह आपने डाली है किसी के साथ, वो भी ये पर्सन देखते हुए नजर आ रहे हैं। ये पर्सन को बहुत ज़्यादा डीप अटैचमेंट है आपसे, आपसे जो एक सोल टू सोल कनेक्शन होता है, ये पर्सन को फील हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हैं, आपके साथ इनका सोल टू सोल कनेक्शन है और आपके अलावा ये पर्सन किसी और के बारे में नहीं सोचना चाहते हैं। इस पर्सन की ऐसी भी एनर्जी हो चुकी है, ठीक है। ये पर्सन आपके बारे में ही सोचना चाहते हैं, आपको लेकर के ही सोचना चाहते हैं। आपके अलावा ये पर्सन किसी और के बारे में सोच करके अपना जो है समय नहीं बर्बाद करना चाह रहे हैं, ठीक। इनकी एनर्जी आज की थोड़ी सी मैं देख पा रही हूँ कि लो है, इनकी हेल्थ में भी इश्यूज नजर आ रहे हैं। इनका ठीक से जो है ना मैं देख पा रही हूँ कि इनकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ चल रही है, ठीक। इनका मुझे लगता है कि कुछ लोग कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, आपके पार्टनर, क्योंकि यहाँ की एनर्जी बता रही है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है, इनकी हेल्थ में इश्यूज आए हैं कुछ लोगों के पार्टनर के। आपके जो पर्सन हैं, मैं यहाँ पे ये भी है कि देखो आपके पार्टनर पहले बहुत इग्नोर किया करते थे, बहुत इग्नोर करना इन्होंने सीख लिया था, या आपको टाइम ना देना, आपकी कोई वैल्यू ना करना है ना, ये पर्सन ने स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। अपने तरफ से पहले इन्होंने ही शुरुआत करी है रिलेशनशिप को ख़त्म करने की। आपने तो चाहा था यहाँ पे रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है ना, बट यहाँ पे जो है ना ये पर्सन की चाहत ही मुझे कम नज़र आ रही है। ये पर्सन की दिल से चाहत जो होती है कि हाँ हम रिलेशनशिप को दोनों इक्वल गिव एंड टेक करें और दोनों ही मिल करके इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ पे मुझे कमी नज़र आ रही है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार से। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच करके है ना अपने जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उस पर काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। देखो ये पर्सन जो है ना आपको मैं देख पा रही हूं कि आपके लिए जो ये पर्सन फील करते हैं, आपके लिए जो इनका एक अंदर से है जो एक होता है ना कि चाहत है ना, तो वो जो चाहत है मुझे इनकी नजर आ रही है आपके लिए। लेकिन कहीं ना कहीं मैं देखूँ तो ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा एक जो नॉर्मल से एनर्जी है कहीं ना कहीं उससे जो है ना ये पर्सन बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं कि मैं क्या करूँ है ना, क्योंकि ये पर्सन का भी सोचना ऐसा है कि सिर्फ मेरी ही फीलिंग्स रहेंगी क्या, मैं ही सिर्फ एक्शन लूँ क्या, वो भी तो ले सकता है या ले सकती है, तो कहीं ना कहीं इंतज़ार दोनों तरफ चल रहा है और दोनों के दोनों ही इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन एक्शन कोई नहीं ले रहा है, जो कि सबसे बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि एक्शन कोई नहीं ले रहा है। और एक्शन जबकि दोनों को लेना चाहिए, लेकिन दोनों में से कोई एक्शन नहीं ले रहा है। आपके जो पर्सन हैं, देखो मैं इनकी एनर्जी भी देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, मैं यहाँ पे बहुत एक जो आपकी पिक्स
पिक्स है ना, वो देख करके ये अपने आप को शांत करते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को जैसे कि होता है ना कि हाँ इनको दवा मिल गई है ना, तो वो मुझे यहाँ पे दिखते हुए मतलब कि नजर आ रहे हैं ये सारी चीजें देखते हुए से। ये पर्सन पहले ऐसे नहीं थे लेकिन आजकल इनका जो है ना बिहेवियर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। आप खुद नोटिस कर रहे होंगे कि पहले ये पर्सन ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे लेकिन अचानक से ऐसे ये पर्सन कैसे हो गए, क्यों हो गए, कहीं ना कहीं आपको वो सारे जो है ना प्रॉब्लम जो है आपको तकलीफ दे रही है, क्योंकि आपको कभी आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था या अभी तक नहीं हो रहा है आपको भरोसा कि ये पर्सन आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके साथ अचानक से ये पर्सन कैसे बोल सकते हैं कि नहीं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, तुम किसी और के साथ शादी कर लो, है ना, तो यहाँ पे कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है ना यहाँ पे स्ट्रेस फील करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं अब जो है टैरो कार्ड से देखूंगी कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, यानी कि आपके पार्टनर आपके पास आएंगे नहीं आएंगे, क्या करेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं। अब इसको मैं रखती हूँ साइड में और हम टैरो कार्ड से देखते हैं कि क्यों ये ऐसा जो है इनका बिहेवियर जो है अचानक से ऐसे कैसे चेंज हो गया और फ्यूचर क्या होगा। तो पहले हम देखेंगे कि ऐसा बिहेवियर इनका चेंज क्यों हो गया। ठीक है, चलिए प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। और गाइस आप लोगों से शिकायत भी है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बहुत गलत बात है। आप लोग 60% मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। भाइयों बहनों चैनल को सब्सक्राइब कर लो चैनल को सब्सक्राइब करने में पैसे नहीं लगते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं, इन्होंने स्टेप बैक क्यों लिया, क्यों ये पर्सन मना कर रहे हैं अचानक से आपके साथ रिलेशनशिप में आने से। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक देखते हैं, आगे हम फ्यूचर के लिए भी कार्ड निकालेंगे। तो स्ट्रेंथ का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। ये पर्सन अपने आप को बहुत कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, अपने फीलिंग्स अपने इमोशंस है ना बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करते हुए, जैसे कि होता है ना कि हाँ बहुत अंदर से एक हो जाती है पावर कि मुझे कंट्रोल करना है, मुझे कंट्रोल करना है, वो वाली एनर्जी इनकी हो चुकी है कंट्रोलिंग, है ना। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा इनको जो है ना कि तगड़ी पकड़ है इनकी। ठीक है, ये पर्सन उतना ज़्यादा जो है ना अपने रिलेशनशिप में ठीक है देना तो चाहते हैं लेकिन अभी अपने आप को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हैं, स्टक है यहाँ पे। द हैंग्ड मैन, फोर ऑफ सॉर्ड्स, डेविल, मुझे लगा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन प्रॉब्लम जो है हम देख रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ जो है इनकी फीलिंग जो है अभी ऐसी है और ये पर्सन स्टेप बैक क्यों ले रहे हैं, स्टेप बैक इन्होंने क्यों लिया है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि इनके माइंड में कुछ निगेटिविटी भी है। ठीक है, निगेटिविटी इन्वॉल्व है, यानी कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन अवेलेबल है। ठीक है, जो कि आपके खिलाफ इस पर्सन का जो है कान भर रहा है, कान भरना ही कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे कान भरते हुए कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके आपके पर्सन के माइंड में कुछ निगेटिविटी क्रिएट करते हुए दिख रहे हैं कुछ लोग, और उनकी वजह से, ठीक है, उनके निगेटिविटी की वजह से आपके रिलेशनशिप पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे स्टक हैं। ठीक है, यानी कि ये पर्सन डिसीजन अभी भी फिलहाल फाइनल डिसीजन जो इनको अब क्या होगा ये पर्सन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन को एहसास हो रहा है कि आप ही इनके लिए परफेक्ट पर्सन हो, आप ही इनके लिए जो है मतलब इनके जीवन साथी हो, आप ही वो पर्सन हो जो जो है ना अपनी जो है ना अपनी लाइफ में इनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ा सकते हो। ठीक, तो
कहीं ना कहीं ये पर्सन को जो है ना आपके लिए बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी है। ये पर्सन तो दिल से चाहते हैं कि आपके साथ ही इनकी शादी हो या आपके साथ ही इनका रिलेशनशिप कंटिन्यू हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये पर्सन को लग रहा है कि शायद ये हमारा कर्मा है और कर्मा की वजह से हम दोनों मिले हैं और फिर हम दोनों को अलग हो जाना है। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन की फीलिंग्स ये भी हो रही हैं कि मुझे कहीं अलग तो नहीं होना पड़ेगा, कहीं उसके साथ जो है कंटिन्यू मैं करता हूँ तो फिर मुझे अलग होना पड़ेगा, मुझे धोखा मिल जाएगा, मुझे तकलीफ होगी, फिर मैं उसके साथ कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगा। तो ये पर्सन थोड़ा सा रिस्क लेने से डरते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, रिस्क लेते हुए ये पर्सन नज़र आ रहे हैं। चलिए मैं कुछ दूसरे डेक का मैं यूज़ करूँगी, देखूँगी कि आप दोनों के रिलेशनशिप का फ्यूचर है क्या, ठीक है, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, द चैरियट, वाओ वाओ, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस, टू ऑफ वैंड्स, बहुत ही अच्छा कार्ड, सिक्स ऑफ वैंड्स, क्या बात है, क्या बात है, दिल खुश हो गया मेरा, एट ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं, बॉटम ऑफ द डेक है द फूल की एनर्जी, यानी कि इनको चाहिए एक चांस, ठीक है, आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने का एक मौका चाहिए, ठीक। यहाँ पे फ्यूचर में यही होने वाला है कि आप दोनों, ठीक है, आप दोनों की एनर्जी, देखो आपके पार्टनर आने वाले टाइम पीरियड में एक्शन लेने वाले हैं, एक स्ट्रांग सा ऑफर जो कि आपको चाहिए था, ठीक है, इस पर्सन से क्या क्या चाहिए था, तो वो था ही शादी की कमिटमेंट, यानी कि जीवन भर साथ रहने की कमिटमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं आपको बहुत इंतज़ार करवाया है इन्होंने, बहुत ही इंतज़ार, 2 साल से कि कोई कोई रिलेशनशिप में दिख रहा है, कोई 7 साल से दिख रहा है, कोई 6 साल से दिख रहा है, कोई 4 साल से दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो आप लोगों की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आए हैं, आपने भी सोचा कभी एक स्टेज पर आप ऐसे भी आ गए जहां पे आपने सोचा था कि मैं मूव ऑन ही कर जाता हूं या कर जाती हूं, फिर ये पर्सन आपकी जिंदगी में आए, फिर से आप दोनों के बीच में जो है ना वो प्यार वाली फीलिंग्स आई, ठीक वैसे ही अब फ्यूचर में भी होने वाला है। यानी कि आपके पार्टनर जिस तरीके से अभी इनका बिहेवियर हो गया, यानी कि अभी आपको इग्नोर कर रहे हैं, अभी जो है आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहे हैं, या फिर अभी जो है आपके लिए कोई इनका जवाब ही नहीं है, ठीक है, तो वहां से ये पर्सन निकल करके आपको फाइनली ये पर्सन अपना जो एक अपनी एनर्जी है, यानी कि अपना जो एक डिसीजन है वो बताते हुए ये पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं। ये पर्सन का दिख रहा है कि ये पर्सन फाइनली ये डिसीजन लेंगे कि हाँ मुझे जो है ना एक्शन लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कार्ड्स जो कि बता रहे हैं कि आप दोनों फ्यूचर में मैरिज करोगे और आप दोनों, ठीक है, एक दूसरे के साथ फ्यूचर में आओगे एक दूसरे के साथ, ठीक। मुझे स्पेशली यहाँ पे यही फील हो रहा है कि आपके पार्टनर आपकी जिंदगी में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी हाई है और हाई एनर्जी होने की वजह से यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर बहुत ज्यादा चाहत होगी आपसे मिलने की, आपसे बात करने की, आपको देखने की, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में जो है चाहते हैं कि यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आए, या आप दोनों के बीच में जो गिले शिकवे हैं वो खत्म होकर के फिर से एक बहुत ही बेहतरीन सी शुरुआत हो, ठीक। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करने में इंटरेस्टेड हैं और आप भी इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। तो फ्यूचर में आप दोनों की मैरिज होने वाली है, ठीक। तो ये है आज की रीडिंग, तो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की है, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर ऑन करें ताकि मेरी वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाया करें। आप लोग हमेशा मुझसे कनेक्ट रहो, इसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। और जिनको फ्री रीडिंग चाहिए इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, फेसबुक पर मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, बाय बाय।